आज राजस्थान को मिलेगी बड़ी चुनौती, दिल्ली को किसी भी हालत में चाहिए जीत, आज बेंगलोर हो जाएगी प्लेऑफ की रेस से बाहर। आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस पहली ऐसी टीम बनी है जिन्होंने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। गुजरात टाइटंस ने अपने 12 मैच खेले हैं और इसमें उनके 18 अंक हो गए जिसकी वजह से वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई। अब तीन और टीमें ऐसी बची है जिन्हें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है, लेकिन रेस में तो यहाँ कई टीमें शामिल है। जैसे कि अगर देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स, राजस्थान रॉयल्स, आरसीबी, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स जैसी टीमों ने अभी हार नहीं मानी है, क्योंकि इन टीमों का भी पता है कि अगर टूर्नामेंट के आगे बचे मुकाबले अच्छे खेल गए तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। दिल्ली के लिए करो या मरो। आईपीएल 2022 में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होना है। दिल्ली कैपिटल्स अपना पिछला मैच गंवा के आ रही है, लेकिन उनके कोच रिकी पॉन्टिंग का अभी भी विश्वास है कि उनकी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। दिल्ली कैपिटल्स के अभी पॉइंट्स टेबल में 11 मैचों में 5 जीत 6 हार के साथ 10 अंक है और उनका नेट रन रेट +0.150 का है। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स को अगर अभी प्लेऑफ के लिए अपनी जगह पक्की करनी है तो उन्हें अपने बचे तीनों में से तीनों मुकाबले जीतने होंगे, जिससे कि उनके 16 अंक हो सकते हैं और टीम प्लेऑफ में जाने की दावेदार बन सकती है। लेकिन क्या दिल्ली कैपिटल्स के लिए इतना आसान होगा? क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के सामने वो टीम है जिसके पास जॉस बटलर, ट्रेंट बोल्ट, यूजी चहल जैसे खिलाड़ी हैं और ये टीम दिल्ली कैपिटल्स के सामने इतनी आसानी से नहीं हारेगी। राजस्थान नहीं होने देना चाहेगा अनहोनी। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल 2022 में आपको पहला मुकाबला तो याद ही होगा जब नो बॉल का विवाद सामने आया था। उस समय राजस्थान रॉयल्स जीत गया था और इस बार भी चाहेगा कि वो दिल्ली कैपिटल्स के सामने 20 ही साबित हो, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपना पिछला मुकाबला गंवा के आ रही है। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने अपने पिछले मुकाबले में बड़ी आसानी से पंजाब को हराया था। राजस्थान रॉयल्स की अगर पॉइंट्स टेबल में बात करें तो उनके 11 मैचों में 7 जीत 4 हार के साथ 14 अंक है और राजस्थान रॉयल्स को अब बस एक ही जीत की तलाश है, जिसको अगर उन्होंने हासिल कर लिया तो वो प्लेऑफ के लिए लगभग क्वालिफाई कर ही जाएगी। हालांकि राजस्थान रॉयल्स यहां से चाहेगा कि अगले बचे तीनों मुकाबले जीते जाए और प्लेऑफ में शान से क्वालिफाई किया जाए और अगर पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में जगह बन गई तो क्या कहना। बेंगलोर का भी कट सकता है पत्ता। अब आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के भिड़ंत में भला बेंगलोर कहां से आ गई, तो आइए आपको पूरा मामला समझा देते हैं। अगर गुजरात टाइटंस को छोड़ दे तो तीन जगह अभी भी खाली हैं जहां टीमों को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है। लखनऊ सुपर जायंट्स अभी पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पे है, राजस्थान रॉयल्स तीसरे नंबर पे और आरसीबी चौथे नंबर पे। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत से आरसीबी को टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर यहां से राजस्थान रॉयल्स जीतता है तो आरसीबी के लिए ज़्यादा चिंता नहीं होगी क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के 16 अंक हो जाएंगे। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स अगर यहां से राजस्थान रॉयल्स को हरा देती है तो दिल्ली कैपिटल्स धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी और आरसीबी को हराने के लिए बड़े दावेदार के रूप में शामिल होगी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के 12 अंक हो जाएंगे और इस टीम को अगर जीत मिली तो ये अपने अगले बचे दोनों मुकाबले भी जीत सकती है। ऐसे में आरसीबी चाहेगा कि आरआर इस मुकाबले को जीत जाए और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करे। साथ ही आरसीबी ये भी चाहेगा कि वो अपने अगले बचे दोनों मुकाबले जीते और 16 अंक लेकर वो भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करे। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को अगर यहां से जीत मिलती है तो इससे आरसीबी के लिए टेंशन वाली बात हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, प्लेऑफ में दिल्ली कैपिटल्स की टीम अभी भी जा सकती है या फिर आरसीबी की टीम ही प्लेऑफ की असली दावेदार है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।